ताड़ोबानधारी व्याघ्र प्रकल्प के केसलाघाट बफर क्षेत्र में बाघिन और उसके शावकों का एक वीडियो सामने आया है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक नजर इस खबर पर। हालांकि रुक रुक कर बेमौसम बारिश जारी है, लेकिन गर्मी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। चंद्रपुर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद भी बेमौसम बारिश के कारण मौसम में नमी नहीं आई है। इस उमस भरी गर्मी से बचने के लिए नागरिक कूलर और एयर कंडीशन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उन वन्य जीवों का क्या? जल स्रोत ही उनका आधार है। ताड़ोबानधारी व्याघ्र प्रकल्प के केसला घाट बफर क्षेत्र में बाघिन और उसके शावकों का वीडियो सामने आया है। वन्य जीव छायाचित्रकार मकरंद परदेसी ने सुंदर वीडियो चित्रित किया है। विश्व प्रसिद्ध ताड़ोबानधारी व्याघ्र प्रकल्प में ग्रीष्मकाल यानी पर्यटकों के लिए अनमोल क्षण होता है। जल स्रोतों पर उन्हें प्राणियों के दर्शन होते हैं। जल स्रोतों पर बाघ दिखना यानी उनके लिए एक स्वर्ण अवसर होता है। ताड़ोबानधारी व्याघ्र प्रकल्प के मार्ग इस बाघिन को कोई ना पहचाने ऐसा नहीं है। ताड़ोबा में वह पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वह उसके दो शावकों के साथ घूमते हुए हमेशा ही दिखाई देती है। ताड़ोबा के बाघिन माधुरी और खली इस बाघ की बेटी यानी के मार्ग अब वह भी दो शावकों की माता हुई है और हमेशा ही उनके साथ घूमते हुए पर्यटकों को दिखाई देती है। ताड़ोबा के केसला घाट पहाड़ के आसपास उसका अस्तित्व होता है। इस साहसी और सुंदर बाघिन ने दक्षिण ताड़ोबा के केसला घाट और झरीपेट जंगल पर अपना साम्राज्य स्थापित किया है। के मार्ग यह बाघिन जोखिम के भाग में रहती है। इस वन क्षेत्र से राष्ट्रीय महामार्ग जाता है। उसे ठंड के मौसम में कई बार राष्ट्रीय महामार्ग पार करते हुए देखा गया है। हाल ही में जल स्रोत में उनके वीडियो ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।